सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो के प्रेडिक्शन। कैसे आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से एक लीग स्टार्ट हो रही है जिस लीग का नाम है तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023। इस लीग का फर्स्ट T20 मैच के बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये मैच होने वाला है लाइका क्वाई किंग्स और आई ड्रीम त्रिपुर के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 12 जून को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7 बजे यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड कोयम्बटूर इंडिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम लाइका क्वाई किंग्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं 1 मैच हार के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम आई ड्रीम त्रिपुर की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है और 2 मैच जीत के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर लाइका क्वाई किंग्स 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 3 मैचेस में, तो जहां पर लाइका क्वाई किंग्स 6 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं आई ड्रीम त्रिपुर 4 मैच जीत के आ रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहां पर भी देख सकते हैं कि हेड टू हेड में भी 2 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जहां पर लाइका क्वाई किंग्स का 60% देखने को मिल रहा है, तो यहां आई ड्रीम त्रिपुर का 40% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो लाइका क्वाई किंग्स का 155 है, तो यहां आई ड्रीम त्रिपुर का 132 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो लाइका क्वाई किंग्स का 209 है, तो वहीं आई ड्रीम त्रिपुर का 162 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो लाइका क्वाई किंग्स का 72 है, तो यहां आई ड्रीम त्रिपुर का 73 है। तो अगर टीम कंपेरिजन के मामले में अगर बात करें तो यहां पर भी लाइका क्वाई किंग्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, मौसम पूरी तरह क्लियर रहने वाली। अगर वहीं सेल्सियस की बात की जाए तो 43.2 डिग्री सेल्सियस रहेगी। ह्यूमिडिटी देखें तो 66% रहेंगी। वहीं अगर वर्षा होने की चांसेस 0% रहेंगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। तो बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पर कैसा होने वाला है, तो इस पिच पर अभी तक टोटल 10 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे 155-60 रन में भी जा सकते हैं। अगर वहीं सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 134-40 रन में भी जा सकती है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो काफ़ी जितने भी अभी मैच इस पिच पे खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी अच्छा देखने को मिला, तो उम्मीद है कि यह भी TNPL 2023 का फर्स्ट मैच होगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग जरूर देखेगा। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम लाइका क्वाई किंग्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस थी पहले भी। अगर पिछले सीजन की बात करें तो पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल रहा था। तो उम्मीद है कि इस बार भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में हो। वहीं अगर दूसरी टीम आई ड्रीम त्रिपुर की बात करें, नो डाउट ये भी टीम अच्छी है, बट पिछले के मुकाबले इस बार आई ड्रीम त्रिपुर काफ़ी अच्छा फिनिशिंग प्लस बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन अच्छा लेकर आई है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटिक विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम लाइका क्वाई किंग्स की प्लेयर की बात करें तो शादाब खान, साई सुदर्शन, आर दिवाकर, अभिषेक तनवर। वहीं दूसरी टीम आई ड्रीम त्रिपुर के की प्लेयर की बात करें तो NS चतुर्वेद, श्रीकांत अनिरुद्ध, अश्विन क्रिस्ट, रवि राजकुमार। तो ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए लाइका क्वाई किंग्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।